श्रीमती लवली आनंद जी को काफी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम लोग आग्रह करने आए हैं। उन्होंने तो अपनी कुछ बातें आपको बताई है और आप जानते हैं, आपको मालूम है कि जब हम लोग काम कर रहे हैं 2005 से और उसके पहले और लोग जो अपना दावा करते हैं, ये वाले जो भी हैं, तो इन लोग क्या करते थे, शाम के बाद तो घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं होती थी, लोगों के इलाज का भी काम नहीं था, तो ये सब बुरा हाल था। और जब हम लोग आए 2005 में, हम लोगों को नवंबर में मौका मिला तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया और एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया। अब आप किसी भी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा और शांति का माहौल है। तो हम लोगों ने एक एक तरह से काम करा दिया हर प्रकार से। अब आप जानते हैं, पांचवी कक्षा के बाद लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, तो हम लोगों ने एक एक तरह से सबके पढ़ने का इंतजाम, सब तरह का इंतजाम हम लोगों ने कराया। और उसके बाद आप जानते हैं, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना, और आप लड़कियों के लिए तो हमने साइकिल योजना शुरू की, अब बाद में लड़कों ने भी मांग किया तो उसके लिए भी हमने साइकिल योजना, तो कोई साइकिल चलाता था जी, तो साइकिल योजना तो हम शुरू करा दिए। अब बच्चे लोगों को मालूम होना चाहिए, 18 साल का जो है उसको एक एक मालूम होना चाहिए, काम हुआ है पहले ही से, तो एक एक तरह से काम है, किसी को भूलना नहीं चाहिए कि हर प्रकार से हम लोगों ने हर तरह से काम कराया। तो आप जानते ही हैं कि हर तरह से हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, हर तरह से, और शिक्षकों की बहाली की, हर प्रकार से एक एक तरह से हम लोगों ने काम जो किया, तो सब जगह अब लड़कियों की पढ़ाई शुरू हुई। और आप समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सारा काम किया गया। अब क्या होता था, 2006 से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर की उपस्थिति करवाई तथा यहां मुफ्त दवा और स्वास्थ्य जांच की सुविधा की गई। और आप जानते हैं उसके पहले क्या होता था, एक महीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुश्किल से 39 लोग आते थे, यानी एक दिन में एक या दो। और अब इतना ज्यादा सब कुछ काम कर दिया गया कि सब लोग अब जाते हैं, अब जो आप समझ रहे हैं कि हर महीने 11,000 तक लोग जाते हैं। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया, पढ़ाई का काम, स्वास्थ्य का काम, आने जाने का रास्ता, एक एक तरह से काम किया। अब सब जगह से जो भी स्थिति थी, क्या स्थिति था, अब आप समझ रहे हैं कि पूरे तौर पर, और महिलाओं को कितना हमने किया, इंटर पास करने पर 25,000 रुपया देते हैं और स्नातक पास करने पर 50,000 रुपया देते हैं। अब आप जानते ही हैं कि किस तरह से हम लोगों ने बालिका शिक्षा का कुल प्रजनन दर में कमी आई, पहले कोई प्रजनन दर में कमी नहीं थी। तो अब उसके बाद स्थिति क्या हुआ, 2005 में प्रजनन दर 4.3 था, अब घट करके चुकी लड़कियां पढ़ रही हैं, तो उसके चलते अब एक साल पहले ही रिपोर्ट आ गया है कि अब घट करके प्रजनन दर 2.9 हो गया। तो हर तरह से पूरे तौर पर चारों तरफ से हर प्रकार से हम लोगों ने एक एक तरह का काम करना शुरू किया और हम लोगों ने सबके के लिए काम किया। आप समझ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, हम लोगों ने झगड़ा को बंद करा दिया। जाने दीजिए, अरे तो पहले कहा है, हम ही लोग ना बनवा दिए जी, जाने दो, अच्छे ना लगता है, सब जगह जाता है। हम तो इसके भी ना रहे केंद्र में, श्रद्धे अटल जी की सरकार में हम तो रहे, तो कितना जगह हम बनवाए हैं, कितना काम करवाए, आगे भी जब हम आए हैं तो काम करवाए। तो आप समझ लीजिए
कि हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा कितना होता था। आप कोई झगड़ा होता है, आप बोलिए, हम लोग और आप जो लोग साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर अब पहले जितना भी काम ये लोग करते थे गड़बड़ सड़बड़, अब वो सब को बंद कर दिया। अब आप जानते हैं कि लोग मदरसों के लिए भी कोई इंतजाम नहीं करते थे। हम लोगों ने मदरसों के लिए शिक्षकों की को वहां के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर दिया। और बोले हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा होता था तो आप समझते थे कि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं थी, हमने कराया 2006 के बाद 8000 से ज्यादा घेराबंदी हम लोग करा दिए। अब 1000 और आया है, उसका भी पूरा का पूरा करा रहे। अब कहीं कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों को भी जानना चाहिए कि पहले तक झगड़ा आपस में होता था। आप वोट उसी को दीजिएगा जो लोग आपको ठीक कर दिया। अब उसके बाद आप इधर उधर करिएगा, इधर उधर करिएगा तो कभी ठीक काम करेगा वो फिर इधर उधर सब करने लगेगा। इसलिए याद रखिए, और सब तरह से कौन कौन काम किए हैं जी, आप जो बोल रहे हैं, तो हम लोग जो पंचायत में क्या किया हमने, 50% महिलाओं का कर दिया, और उसमें तो हिंदू मुस्लिम सब है। अब 4 चुनाव हो गया पंचायत में, 6 में शुरू किए, और 2007 से हम लोगों ने शुरू कर दिया नगर निकाय का, तब दोनों का तो 4-4 चुनाव हो गया, कितना हो गया। आ कितनी पढ़ाई हो रही है। और आपको ये भी बता देंगे कि आप समझ रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह देश भर में, और वहां पर महिलाएं स्वयं सहायता समूह में रहती थी। हम बाहर जब केंद्र में मंत्री या एमपी थे तो हम घूमते रहते थे, देखते थे, लेकिन 5 में जब हम लोग आए, 6 में देखा कि यहाँ स्वयं सहायता समूह में बहुत कम जगह पर है और बहुत कम महिलाएं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई तो बड़ा गड़बड़ है बिहार में, दूसरे जगह तो है। तो हमने यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया। और आपको मालूम है कि अब स्वयं सहायता समूह की संख्या कितनी हो गई, आप समझ रहे हैं, 1,51,000, और उसमें महिलाओं की कुल संख्या हो गई 1,31,00,000। और हमने उसका नाम दे दिया जीविका, हम जीविका दीदी कहते हैं। और जब हम कह दिए कि वहां के महिलाओं को जीविका दे दिया, और उसी समय केंद्र वाला हम लोगों के खिलाफ था, वो आया था देखने के लिए, और देखा का स्वयं सहायता समूह तो आप बढ़ाए हैं जी, हमको कहा, और उसका कहा आप नाम दे दिए हैं जीविका, तो हम पूरे देश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का नाम पूरे देश में हम आज जीविका कर दे रहे। बोलिए हम जीविका किए, आज जीविका वहां किया, तो आप सोच लीजिए कि हम लोग कितना बढ़ाए। अब आपको बता ही दिए कि कितना ज्यादा, आप तो हम शहरी क्षेत्र में भी शुरू करा दिए। तो याद करिए ना कि सबको पंचायत के चुनाव से लेकर नगर निकाय के चुनाव से लेकर के शिक्षा में, पढ़ाई में, हर जगह एक एक काम करके, और स्वयं सहायता समूह का अब कितनी महिलाएं बढ़ी। अब पूरे तौर पर भाई हम लोगों का तो शुरू से था कि लड़का और लड़की दोनों को बढ़ना चाहिए, इसलिए हमने पूरा काम किया। और आज क्या स्थिति, कहां पहले कहीं कोई महिला आती थी, अब आज देख लीजिए महिलाएं आती। और जानते हैं स्वयं सहायता समूह वाला, हम जहां कहीं भी घूमते हैं उन लोगों से मिलते हैं कि सब लोगों को जो आपको बता दिया हम लोगों ने, कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दिया जो हम आपको बता चुके। अब उसके बाद उसके साथ साथ हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने मंदिरों का भी चार दीवारी हम कराए, ताकि हिंदुओं में भी मंदिर को कोई इधर उधर चोरी करता था। तो ये सब काम, तो हर प्रकार से हम लोगों ने एक एक तरह से काम कर दिया है। और आप जानते हैं ना कि अब क्या हालचाल है, अब तो जानते हैं, हर घर नल का जल, हर घर बिजली, हर घर शौचालय। अब कहां था पहले बिजली जी, हर घर नल का जल था, हर घर कोई शौचालय था, ये सब काम कराए। और आपको मालूम है सरकारी नौकरी 2005 से 2020 के बीच में हम लोगों ने 8,00,000 किया, और लाखों लोगों को रोजगार किया। और जब हम लोगों ने 20 में तय किया 10,00,000 नौकरी, 10,00,000 रोजगार,
चार लाख हो गया, एक लाख और होने जा रहा, तीन लाख का काम चल रहा उसके आगे हो रहा, और एक एक काम जो हम लोगों ने कर दिया है, अगले साल के जब चुनाव होने वाला है अगला साल, उसके पहले ये सारा का सारा काम करेंगे। अब पांच लाख के करीब तो ये भी हो ही गया है, रोजगार का भी काम हो गया। तो हर तरह से हम लोगों ने एक एक तरह से काम कर दिया है, हर प्रकार से किया है। और जाति आधारित गन्ना भी हम लोग कराए, बताइए आपस में मिलके। हम लोग उन लोगों के साथ थे, हम जब कहे तो सब सुनिए नहीं रहा था, तब हम लोग छोड़ ही दिए उन लोगों को। अब आजकल हमको दो बार खाली उन लोगों के साथ गए थे, हमने छोड़ दिया है, अब कभी नहीं। और हम लोगों का जो रिश्ता है भाजपा वही रहेगा, कहीं बाएं दाएं नहीं जाएंगे। अब क्या कर रहा है, जब हम उस समय कहे थे तब बोल रहा है कांग्रेसिया कि हम लोग जाति आधारित कराए। कहां जाति आधारित कराए जी, हम जब कह रहे थे तो किया नहीं। अब बिहार में कितना बढ़िया से हम लोग करा दिए, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित की संख्या बढ़ गई, तो 50% मिलता था, हम लोगों ने बढ़ा करके कर दिया 65%, और उसके अलावे अपर कास्ट का जो 10% मिलता उसको दोनों को मिला के 75 हो गया। पहले 50+10=60 होता था, हम लोग इतना कर दिए। हम लोग इतना ही नहीं किए, हम लोगों ने एक एक लोगों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया। और आपको मालूम है, चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबका जांच कराए तो हर जांच में कितना हुआ, 94 लाख गरीब परिवार निकला। अब आप सोच लीजिए, अपर कास्ट में भी गरीब परिवार सब जगह, कोई पहले ध्यान देता था, और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि हम लोग गरीब परिवार को मदद करेंगे, और उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का मदद हम लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो एक एक तरह से तो हम लोग काम कर ही रहे, और बाकी जो कुछ भी काम आपका सीतामढ़ी में होता है तो सबको जानबे करते हैं। हम माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम के संपूर्ण विकास किया गया, एक एक तरह का काम हम लोग कराए हैं, और कौन काम नहीं किया, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक स्थान, महिला आईटीआई, जीएनएम संस्थान, सब कुछ किया। और सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की गई है, 515 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। हर तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, और जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय उच्च विद्यालय, और ये सब काम किया जा रहा है। अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय राघोपुर बखरी का भी निर्माण कराया जा रहा है। तो एक एक तरह से एक एक काम हम लोग हर क्षेत्र में पूरे तौर पर कर रहे हैं। और आपको हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ जो रीगा विधानसभा है, यहाँ पर भी पथ और पुल का निर्माण हुआ, बिजली के क्षेत्र का काम। अब यहाँ पर जो रीगा विधानसभा क्षेत्र है, 244 ग्रामीण सड़कों और 9 पुलों का निर्माण कराया गया। ये सब काम तो किया गया है। और दूसरी बात है, बिजली के क्षेत्र में भी बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए बेलसंड में 2 विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया गया है। विधानसभा में 6 डेडिकेटेड कृषि फीडर का निर्माण किया गया, सिंचाई की सुविधा की गई है, बागमती नदी के तटबंध पर पक्की सड़क का निर्माण कराया गया, रीगा चीनी मिल का चालू करवाना, ये सब काम किया जा रहा है। तो हर प्रकार से सारा काम। और दूसरी बात है कि हम लोग तो जब जगह भी जाते हैं, घूमते हैं, और कहीं कोई जरूरत रहती है उस काम को हम पूरा करना चाहते हैं, तो ये सब काम तो हम लोग करते ही रहते हैं। तो हम लोग तो सारा काम करते रहते हैं। अब आपसे यही आग्रह करेंगे कि भाई अब हम तो आए हैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र से, अभी तो बात करवे की श्रीमती लवली आनंद जी, तो इनको जिताइएगा पूरे मत से। और हमारी तो इच्छा है कि 40 सीट बिहार का है, 400 सीट जीतेंगे, और देश भर में 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे, और फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। तो हम तो यही अनुरोध करने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।